पॉलिनोमियल में जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ आपको केवल आइडेंटिफाई करना है, ठीक। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टर्म या कौन सा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है, ठीक, किस टाइप का पॉलिनोमियल है, सिर्फ आपको ये बताना है। जैसे इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है, ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी एंड डी, ठीक। इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। कैसे फाइंड करेंगे इसमें कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? देखिए, जो भी यहाँ पे वेरिएबल हैं, ठीक, उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, ठीक, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जो भी पावर है वो एक होल नंबर है, ठीक। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये भी आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। एक्स प्लस 5, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, ठीक, एक होल नंबर। लेकिन ये जो है रूट एक्स प्लस 5x, ठीक, यहाँ पे इसमें एक एक्स की पावर तो 1 है लेकिन दूसरे एक्स की पावर फ्रैक्शन में है। एक्स की पावर क्या है, 1/2, यानी ये एक होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। इसी तरह सेकेंड नंबर में ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी, इसमें बताना है कौन सा टर्म पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये भी आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें एक्स की पावर क्या है, होल नंबर है। सेवन सेवन आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक, जिसमें हैविंग ओनली वन टर्म, एक टर्म है और वो आपका क्या है, कांस्टेंट। लेकिन जो सी है, ठीक, इसमें देखिए जो वेरिएबल है इनकी पावर तो होल नंबर है लेकिन इस एक्सप्रेशन के नीचे भी आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक। अगर इसको डिवाइड करोगे तो इसमें एक्स की पावर आपकी फ्रैक्शन में जाएगी, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। अगला है, जैसे तीसरा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि ये आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सिर्फ इतना बताना है कि इसमें कौन सा मोनोमियल है, ठीक। मोनोमियल क्या होता है, हमने जैसे अभी पहले बताया कि हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। जैसे इसमें आपके टू टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसमें एक्स प्लस 5, ऑप्शन बी, इसमें केवल आपका एक ही टर्म है, तो ये आपका क्या हुआ, मोनोमियल, ठीक। इसी तरह फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपसे पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि बाइनोमियल बताइए, ठीक। बाइनोमियल में क्या होता है, केवल टू टर्म होते हैं, ठीक। इसमें देखिए थ्री टर्म है, ऑप्शन बी में भी थ्री टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ऑप्शन सी एक्स क्यूब प्लस एक्स, इसमें आपके केवल टू टर्म है, तो ये आपका हो जाएगा बाइनोमियल, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। इसी तरह आपकी पूरी एक्सरसाइज में केवल इसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स की फोटो भेजूंगा, उसको करिएगा, ठीक। जो ना समझ में आए वो पूछिएगा।